हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, जिसको हम शॉर्ट में बीपीएच भी कह सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कहना चाहूँगी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अगर बीच में कुछ भी आप स्किप करते हैं तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बीपीएच से मतलब क्या है वो समझते हैं। बीपीएच यानी आपको बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, वर्ड में ही आ रहा है आपका हाइपरप्लेशिया। अब हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। मींस क्या हुआ कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सेल्स हैं उनका इंक्रीज होना ही बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया है। अगर इसमें एक और चीज़ होती है, हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है, सेल्स का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, तो उससे भी क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो बीपीएच में दो कंडीशन आपने देखी कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हाइपरप्लेशिया और एक होता है हाइपरट्रॉफी। दोनों की वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। तो हमारा अगर एक लाइन में बोलना चाहे कि बीपीएच का मतलब क्या है, इट इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट क्यों होता है, ड्यू टू दी हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी। तो बीपीएच आपको समझ में आया मतलब क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं आगे की डेफिनेशन एक बार मैं दोबारा बताऊंगी मॉडिफाई करके। अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि बीपीएच है वो इसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया दोनों चीज़ होती हैं। अब दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है, ये एक एज रिलेटेड या फिर एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर है। एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर है, मैंने इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये एडवांस एज में ज़्यादातर ये डिजीज़ देखने को मिलती है। एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर यानी एडवांस एज मतलब अबव 60 ईयर्स के जो मेल्स हैं उनमें ये बीपीएच की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, या एज स्पेसिफिक एज डिपेंडेंट डिसऑर्डर भी इसको हम बोल सकते हैं। अब बीपीएच में आपने देख लिया कि प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है। अब कितना एनलार्जमेंट, नॉर्मल जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो 20, इसका जो वेट होता है, वेट ऑफ नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड वो होता है हमारा 20 ग्राम। मगर बीपीएच में ये कितना हो जाता है, मोर देन 40 ग्राम। बीपीएच की कंडीशन में 40 ग्राम से ज़्यादा इसका जो है वेट हो जाता है। तो ये हमने जिसके मेन जो पॉइंट्स, बेसिक जो चीज़ें थी बीपीएच के बारे में वो आपको पता चल गई कि एक तो ये एडवांस एज में ज़्यादा होता है, दूसरा इसका वेट कितना हो जाता है बीपीएच के दौरान, प्रोस्टेट ग्लैंड का मोर देन 40 ग्राम, और नॉर्मल वेट की बात करें तो कितना होता है, 20 ग्राम। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम इसके जो साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। उसके लिए हम देखते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वो यूरेथ्रा के आसपास होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैडर होता है, ब्लैडर के नीचे ही क्या होता है, इस तरह का। ठीक है, मान लीजिए ब्लैडर है और इधर ये यूरेथ्रा है, तो इसके आसपास ही क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड का हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट होता है, तो ये वाले जो प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका एनलार्जमेंट अगर होगा तो क्या करेंगे, यूरिनरी पैसेज को ये क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूरेथ्रा के आसपास जो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट अगर होगा तो यूरिनरी पैसेज को ये क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और यूरिनरी पैसेज अगर ब्लॉक होगा तो साइन एंड सिम्टम आप अपने आप से देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यूरेथ्रा के आसपास है, इनका एनलार्जमेंट हुआ, यूरिनरी पैसेज क्या हुआ, ब्लॉक हुआ। ठीक है, किसी तरह की यहाँ पे दिक्कत हुई, तो साइन एंड सिम्टम क्या देखेंगे, जो उसका फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, डिक्रीज सॉरी
हाँ डिक्रीज फोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ यूरिन, जो फोर्स ऑफ स्ट्रीम है यूरिन की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पैसेज क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, उसमें किसी तरह की रुकावट आ गई है, तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ स्ट्रीम है वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? अब डिक्रीज होने के बाद दूसरा फोर्स ऑफ स्ट्रीम डिक्रीज हो गई तो दूसरा सिम्टम क्या होगा, क्लाइंट को अर्जेंसी होगी, ठीक है, वो बार बार जो है टॉयलेट जाने के लिए सोचेगा, जाना चाहेगा, क्योंकि उसका जो ब्लैडर है वो क्या है, खाली नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है तो जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसके अलावा डिसयूरिया, पेन होगा, ठीक है, पेन इन पासिंग यूरिन, डिसयूरिया की कंडीशन होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्लाइंट यूरिन जाना पास तो करना चाहता है बट वो अनेबल टू पास, वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, हेजिटेंसी भी डेवलप होगी। नेक्स्ट इसका क्या होगा साइन सिम्टम, हेजिटेंसी, ठीक है। ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आपको याद रखना है, डिक्रीज फोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ यूरिन, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है कि फर्स्ट जो क्लिनिकल साइन देखने को मिलता है क्लाइंट के अंदर उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ स्ट्रीम है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद जो अदर सिम्टम्स क्या क्या होंगे, अर्जेंसी होगी, ठीक है, बार बार वो यूरिन पास करना चाहेगा बट वो अनेबल टू पास, वो पास नहीं कर पाएगा, इसलिए डिसयूरिया की कंडीशन होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, हेजिटेंसी होगी, ये सारे उसके अलग से आप जो सिम्टम्स बता सकते हैं क्लाइंट्स के अंदर। इसके अलावा अब ये सारी कंडीशन हो रही हैं, लास्ट जो इसका क्लिनिकल साइन सिम्टम क्या हो सकता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लास्ट में क्या होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ठीक है। आप लेट इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो क्या होगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा। तो आपको दोनों ही याद करना है, फर्स्ट कौन सा है, डिक्रीज फोर्स ऑफ स्ट्रीम, और लास्ट कौन सा है, लेट सबसे बाद में कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम की बात हो गई, ठीक है। बीपीएच आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, अगर बीपीएच की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि क्या होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, तो आप साइन सिम्टम अपने आप से देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसके डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो हम करेंगे वो है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। हम डिजिटली जो है हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, पी साइज का जो मास है वो दिखाई देगा, पी साइज मास, ठीक है। डिजिटली हम वहाँ पे एग्जामिन करेंगे तो पी साइज का मास दिखाई देगा जो कंफर्म करेगा बीपीएच को, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपर प्लेशिया के कंडीशन को। दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इस टेस्ट को भी हम कर सकते हैं जो बीपीएच की कंडीशन में ये इंक्रीज होगा, ठीक है। नॉर्मल जो पीएसए है वो कितना होता है, 1-3 जो एमजी पर डे जो सीक्रेट होता है बॉडी के अंदर, ये क्या है, पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल 1-3 एमजी पर डे होता है सीक्रेट, बट बीपीएच की कंडीशन में ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो स्पेसिफिक जो इसके टेस्ट है, डायग्नोस्टिक डीआरई, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, और ये आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये DRE है आपका, ये क्या है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इसको आप कन्फर्मेटरी टेस्ट भी बोल सकते हैं, क्लियर है। और इसका जो अदर टेस्ट है वो है PSA। अब यहाँ पे इतनी हमने क्या किया अभी तक, इसकी डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम, ठीक है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इसके मेडिकल मैनेजमेंट पर हम आ जाते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में इसका एक जो है ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है
वो आपको पता होना चाहिए, और ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ BPH, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी प्रोजासिन, प्रोजासिन PROZACINE, ठीक है। प्रोजासिन एक तरह का ये बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है जो मसल को रिलैक्स कर देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस आपकी BPH की क्या है, प्रोजासिन। ये आपका मेडिकल जो मैनेजमेंट है वो हो गया। अब सर्जिकल मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें जो सर्जरी जो मेन है वो क्या करते हैं, हम प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूवल कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेक्टमी, ठीक है। रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेक्टमी। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम क्या करते हैं, प्रोस्टेक्टमी कर देते हैं। ये क्या होता है प्रोस्टेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये हम इसके भी 3-4 तरह की सर्जरी होती हैं, टाइप्स आप बोल सकते हैं प्रोस्टेक्टमी के, वो अलग अलग टाइप्स होती हैं रिमूवल के। कौन कौन सी है, फर्स्ट आप TURP, फर्स्ट जो है जो सर्जरी आपको याद रखनी है TURP, TURP फुल फॉर्म क्या है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रिजेक्टोस्कोप। ये हम यूरिथ्रा से अंदर इंसर्ट करते हैं, रिजेक्टोस्कोप हम यूरिथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो इनर पार्ट होता है उसको हम निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को, इस सर्जरी का हमने क्या बोला है, TURP। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी पूछा जाता है वो क्या होता है, TURP का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग। ये भी आपको याद रखना है, ब्लीडिंग इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो फर्स्ट सर्जरी हमने देख ली TURP। अदर जो सर्जरी होती हैं वो कौन कौन सी हैं, एक होता है आपका सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, और हम एक होता है आपका रेक्टो प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, और एक होता है आपका पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी, ठीक है। अब मैंने सारी सर्जरी आपके यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दी है। फर्स्ट हम क्या है TURP करते हैं, सेकंड हमारी है सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, थर्ड है रेक्टो प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, और फोर्थ आपकी पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी, ठीक है। TURP मैंने समझा दिया है। सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी क्या है, नाम से पता चल रहा है, सुप्रा मीन्स ऊपर और प्यूबिक मीन्स ब्लैडर, मीन्स ब्लैडर के ऊपर हम क्या है इंसिजन लगाएंगे और प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर लेंगे। तो इस सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी। अब रेक्टो प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी क्या होता है, प्यूबिक, ठीक है, यहाँ पे ब्लैडर की बात की हुई है, यानी एट द ब्लैडर, ब्लैडर के डायरेक्ट ऊपर हम इंसिजन लगाएंगे, ठीक है, ब्लैडर के बिल्कुल पास, और प्रोस्टेट ग्लैंड को हम वहाँ पे निकाल लेंगे। और थर्ड जो लास्ट आपकी सर्जरी है पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी। पेरिनियल मीन्स यहाँ पे हमने ब्लैडर के ऊपर इंसिजन लगाया, यहाँ अपने ब्लैडर के ऊपर, सॉरी डायरेक्ट उसके ऊपर, ब्लैडर के मीन्स आप ऊपर समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर के ऊपर यहाँ पे आपने इंसिजन लगाया, और अबव द ब्लैडर आप बोलना, और रेक्टोप्यूबिक मीन्स एट द ब्लैडर, यहाँ पे बोलना अबव ब्लैडर इंसिजन लगाएंगे, यहाँ पे एट ब्लैडर इंसिजन लगाएंगे और प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करेंगे। और पेरिनियल प्रोस्टेक्ट में क्या करेंगे, बिलो ब्लैडर, बिलो ब्लैडर मीन्स एट बिटवीन द एनस एंड स्क्रोटम, ठीक है, एनस और स्क्रोटम के बीच में इंसिजन लगा के वहाँ से हम प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। तो ये हमारी सारी सर्जरी की बात हो गई, ठीक है।
TURP, suprapubic, rectopubic और perineal. अब इसमें जो मोस्ट कॉमन इसका कॉम्प्लिकेशन TURP का मैंने बता दिया ब्लीडिंग है, और इन दोनों का जो कॉम्प्लिकेशन है suprapubic prostatectomy और rectopubic prostatectomy, इनका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो एक तो है, इधर मैं लिख रही हूँ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन. ठीक है, ये दोनों इसके सुप्रापेबिक प्रोस्टेक्टमी और रेक्टोपेबिक प्रोस्टेक्टमी के कॉम्प्लिकेशंस लिखे हैं मैंने. ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपको, कॉम्प्लिकेशन सभी के इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं. और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा, मेल्स के अंदर स्टरिलिटी होगी, हो जाएगी, स्टरिलिटी हो जाएगी. ये तो हमारे इसके कॉम्प्लिकेशन की बात हो गई. अब पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी का एक एडवांटेज है, वो क्या है, लेस ब्लीडिंग. ठीक है, इसको अगर ये हम करते हैं सर्जरी तो वहाँ पे ब्लीडिंग कम देखने को मिलती है, जैसे TURP में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है. ठीक है, एक चीज़ और, TURP के बाद जब हम करते हैं इस सर्जरी के बाद, तो हम ब्लैडर इरीगेशन भी हम एडवाइस करते हैं क्लाइंट को. ठीक है, ब्लैडर इरीगेशन यहाँ पर किया जाता है विथ ग्लिसरॉल सोल्यूशन. ठीक है, ग्लिसरॉल सोल्यूशन या फिर एनएस, क्योंकि वहाँ पे क्या ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, और ब्लड को हटाने के लिए क्या है, ब्लैडर इरीगेशन जरूरी है. तो ब्लैडर इरीगेशन किससे करते हैं, ग्लिसरॉल सोल्यूशन और नॉर्मल सलाइन से हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, और इरीगेशन के बाद अगर हम ब्लैडर इरीगेशन करेंगे तो क्या फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, तो हम क्या पे फ्लूड जो बैलेंस है वो भी हम करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा इसका मैनेजमेंट हो जाएगा आफ्टर TURP. तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया BPH. तो आपको BPH समझ में आया होगा, यहाँ इसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा है, डेफिनेशन BPH की क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, यूरेथ्रा के आसपास होते हैं. जब प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा, वो यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक करेगा, उसको प्रेस करेगा, तो क्लाइंट में क्या सिम्टम आएंगे, जो उसका जो फोर्स ऑफ स्ट्रीम है, फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, फोर्स ऑफ स्ट्रीम डिक्रीज होगा, अर्जेंसी होगी. ठीक है, हेजिटेंसी होगी, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, डिस्यूरिया देखने को मिलेगा, और लास्ट उसका सिम्टम क्या होगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन. तो फर्स्ट और लास्ट आपको मैंने बोला था याद करना है. डायग्नोस्टिक टेस्ट में कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है. ठीक है, इसके अलावा PSA भी करते हैं, PSA इंक्रीज हो जाता है. और मैनेजमेंट ड्रग ऑफ चॉइस में क्या है, प्रोजासीन, वो उसका ड्रग ऑफ चॉइस है BPH का. और सर्जिकल मैनेजमेंट में चार तरह की सर्जरी मैंने बताई है, TURP, suprapubic prostatectomy, rectopubic prostatectomy, perineal prostatectomy. इनके कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दिए हैं, और इसका जो perineal prostatectomy का एडवांटेज क्या है कि ब्लीडिंग कम देखने को मिलती है, और TURP में ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन इसका कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है, और बाकी इन दोनों का कॉम्प्लिकेशन क्या बताया मैंने, suprapubic prostatectomy और rectopubic prostatectomy का, इनका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन और डिसफंक्शन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसकी वजह से स्टरिलिटी होती है. ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा तो स्टरिलिटी देखने को मिलेगी मेल्स के अंदर. तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रिवाइज भी मैंने आपको करा दिया है. फिर भी कुछ डाउट रह जाता है मुझे, आप कमेंट करके बता सकते हैं. वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. साथ में जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें. ठीक है, और लाइक भी कर दें. तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. बाकी जो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम और इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना. ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं. थैंक यू सो मच.